हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों दोस्तों आज हम एक नए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, जहां से आप काफ़ी सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं जो वैल्यूएबल होंगे आपके करियर के लिए। आज हम ADBI इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट। ये फाइनेंशियल रिलेटेड कोर्सेज करवाता है और ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, ट्रेनिंग और वर्कशॉप भी अटेंड कर सकेंगे और कई तरीके के कोर्सेज कर सकेंगे। करीब 20 से ज़्यादा कोर्सेज हैं यहाँ पर, चाहे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे फाइनेंशियल से रिलेटेड हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे कोर्सेज। आप दो पेज में जितने भी कोर्सेज हैं वो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इन कोर्सेज को करके सर्टिफिकेट को लिया जा सकता है। तो दोस्तों आप ऑलरेडी एक कोर्स के पेज पर हैं। इस कोर्स के पेज पर आप e-learning-adbi.org से आ सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। किसी एक कोर्स को करके देखते हैं जिससे आपको सारी स्टेप्स पता चल जाएं कि कैसे इन कोर्सेज को करना है, सर्टिफिकेट को अचीव करना है। ये सारे कोर्सेज फ्री हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है। हम इस कोर्स को ले लेते हैं, ग्रीन इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सभी के काम आएगा। तो ये कोर्स ले लेते हैं जो कि एक कॉमन कोर्स है। तो जिस भी कोर्स को आपको करना है उसके व्यू कोर्स पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जिस भी कोर्स को आप क्लिक करेंगे उसके आप पेज पर आ चुके हैं। ये फ्री कोर्स है और अभी आप इनरोल नहीं है ऐसा लिखा हुआ है। इनरोल करने के लिए लॉगिन टू इनरोल पर क्लिक करना होगा। नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पढ़ाने वाले टीचर्स दिखाई दे जाएंगे, कंटेंट दिखाई देगा और साथ में क्या क्या किस प्रोसेस से आपको कोर्स करना है वो आपको दिखाई देगा। हर कोर्स में एक टेस्ट भी होगा जिसे पास करने के बाद आपको सर्टिफिकेट अचीव होगा। तो यहां आपको कोर्स करना है तो लॉगिन टू इनरोल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां पर अगर आपका पहले से अकाउंट है तो ईमेल पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम आए हैं तो यहां रजिस्टर पर क्लिक करना होगा आपको। अब आपको इस तरह से एक फॉर्म मिलेगा जिसमें सारी की सारी डिटेल आपको भरना होगी, जैसे यूजर नेम एक क्रिएट कर लीजिए, चाहे वो आपका नाम हो या कोई नंबर हो, आप यहां यूजर नेम या ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। अगर इनमें से ना हो तो आप अदर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां लिखना होगा कि क्या काम करते हैं। इसके बाद पहला नाम लिखना है आपका, सरनेम है तो सरनेम लिखना है, ईमेल एड्रेस देना है, एक पासवर्ड बना लेना है इस तरह का और उस पासवर्ड को दोबारा यहां लिखना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है, एज क्राइटेरिया आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको अपनी कंट्री ऑफ वर्क यहां पर सिलेक्ट करना है, आप INDIA लिख देंगे तो इंडिया आ जाएगा और आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन भी सिलेक्ट करना है, इंडिया डालकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप यहां सिलेक्ट करेंगे तो एक ब्लैंक बॉक्स आएगा जहां पर आप इंडिया लिख दीजिएगा, इंडिया यहां पर आ गया है उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोनों बॉक्स में इसी तरह से करना है और यहां पर आप लिखिएगा कि इससे जो भी कोर्स आप करने वाले हैं वो आप कहां यूज करेंगे। एक से ज्यादा बॉक्स भी पिक कर सकते हैं और यहां आपको कहाँ से पता चला ADBI के बारे में तो आपको यहाँ पिक करना होगा, सोशल मीडिया पिक कर देते हैं। इसके बाद आप इस बॉक्स को यस कर दीजिएगा, आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक कीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने से आपको समरी मिल जाएगी जो आपने डिटेल दी थी। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ADBI पर। अब आप कोर्सेज पर क्लिक कीजिए और ऑनलाइन लेक्चर सीरीज पर क्लिक कर दीजिए। तो रीलोड होने के बाद आप कोर्सेज के पेज पर आ जाएंगे। अब जिस भी कोर्स को आपने सिलेक्ट किया है उसे वापस दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए व्यू कोर्स पर क्लिक करके। जब आप व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच चुके हैं यहां कोर्स पेज पर और यहां अब ऑप्शन आ चुका है टेक दिस कोर्स। पहले लॉगिन था, अब आ चुका है टेक दिस कोर्स। तो आप टेक दिस कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। इससे अब आपका एनरोलमेंट हो चुका है इस कोर्स में, 0% कंप्लीट दिखा रहा है ये कोर्स। अब किस तरह से इस कोर्स को करना है तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ कोर्स का कंटेंट आपको दिखाई देगा और साथ में क्विज भी दिखाई देगा जो आपको अटेम्प्ट करना होगा और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस भी कोर्स को आपको करना होगा जब आप एनरोल कर लेंगे तो सबसे नीचे जाइएगा, वहां पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे। यहां पर आप क्लिक कर दीजिए फर्स्ट लेक्चर पर। क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा जिसका वीडियो आ चुका है। जब आप इसे पिक करेंगे तो यहां वीडियो स्टार्ट हो चुका है और ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस हैं, इनको आप पूरा देखिए। और जैसे ही आपका पहला लेक्चर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली दूसरा लेक्चर आपका शुरू हो जाएगा, या नहीं शुरू होता है तो आप यहां क्लिक करके शुरू कर सकते हैं। और जो हो चुका है लेक्चर जो देख लिया है आपने उस पर राइट का निशान आ जाएगा इस तरह से। तो अब दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो गया है, आपको उसे प्ले करना होगा। वो प्ले हो चुका है,
है और दूसरा लेक्चर हो जाने पर यहाँ पर राइट आ चुका है। अब तीसरे लेक्चर को आपको देखना होगा और जब आप तीनों लेक्चर देख लेंगे उसके बाद आप क्विज पेज पर आ जाएंगे। ये क्विज पेज आ चुका है, यहाँ आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 11th और 12th में आपको कुछ टाइप करना होगा यानी फीडबैक देना होगा। तो क्वेश्चंस यहाँ पर नीचे स्टार्ट हो जाएंगे और इनके एक ऑप्शन को पिक करके आपको चेक करना होगा, यहाँ से चेक करना होगा। तो अगर करेक्ट होगा तो आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन करना है दोस्तों। मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको ब्लॉग पर और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा जिससे आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले आप करें और देन उसके बाद आंसर देखिएगा। तो ये 10 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका एक कोई आंसर होगा, उसे आपको सिलेक्ट करना है और चेक करना है और उसके बाद नेक्स्ट से आगे बढ़ जाना है। आपको करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर की इंफॉर्मेशन भी यहां पर मिल जाएगी दोस्तों। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 10 क्वेश्चन के क्या आंसर है और जब आप 10 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे दोस्तों तो आपको दो फीडबैक क्वेश्चन मिलेंगे 11th और 12th में। जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू अप्लाई द नॉलेज गेन्ड इन दिस लेक्चर, तो आपको एक आंसर वहां पर लिख सकते हैं कि आप कहां पर इसको यूज करेंगे और फिर आप चेक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देना है। फिर 12th क्वेश्चन आएगा जो कि आल्सो एक फीडबैक क्वेश्चन है, तो आपको यहां पर यह लिखना है कि आपको ADBI ई लर्निंग में और किस तरह के कोर्सेज देखना चाहते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आप एक टॉपिक लिख सकते हैं जिससे रिलेटेड आप कोर्सेज चाहते हैं इस वेबसाइट पर। तो एक टॉपिक लिखने के बाद आपको चेक कर देना है और फिर आपको फिनिश क्विज का ऑप्शन मिल जाएगा। सबमिशन रिसीव्ड हो चुका है तो आप फिनिश क्विज पर क्लिक कर दीजिएगा, इससे लोडिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए फुल लोडिंग होने तक यहां पर आएगा क्विज कंप्लीटेड रिजल्ट आर बीइंग रिकॉर्डेड, तो यहां रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके सारे के सारे रिजल्ट। तो दोस्तों जैसे ही आपके रिजल्ट रिकॉर्ड हो जाएंगे यहां नया पेज आ जाएगा जहां पर आपका रिजल्ट शो होगा, जैसे मेरा रिजल्ट यहां पर शो हो रहा है। तो अगर आप पास हो जाते हैं तो नीचे आपको क्लिक हियर टू कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा या आप रीस्टार्ट क्विज भी कर सकते हैं। तो मैं यहां क्लिक हियर टू कंटिन्यू कर देता हूं, इससे आप कोर्स के पेज पर आ जाएंगे। लेकिन अब आपको यहां डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी मिलेगा और यहां लिखा है यू हैव अर्नड अ सर्टिफिकेट, तो डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें आपका नाम भी होगा और इसके साथ कोर्स का टाइटल, सिग्नेचर और बारकोड भी होगा और वेरीफाई आप इस लिंक से कर सकते हैं। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट ID भी यहां मेंशन है और वेरिफिकेशन लिंक भी। इस लिंक पर क्लिक किया मैंने तो यहां पर सारी डिटेल दिख रही है और ये एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट कोर्स होगा जिसको आप यहां प्रिंट ऑप्शन से प्रिंट भी ले सकते हैं और ये एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट भी है क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट ID भी है और वेरिफिकेशन लिंक भी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप ADBI इंस्टीट्यूट से करीब 22 कोर्सेज कर सकते हैं। जिन भी कोर्सेज को आपको करना है सेम प्रोसेस से करना होगा, पहले व्यू कोर्सेज पर क्लिक करना है और स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्सेज को करते जाना है और फिर क्विज देने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ये सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।